प्रकृति ने हमें अनेकों अद्भुत उपहार प्रदान किए हैं, जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है शहद। यह मिठास भरा प्राकृतिक उपहार न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसके विभिन्न औषधीय गुण भी हमारे स्वास्थ्य को सुखद बनाने में बहुत ही मदद करते हैं। तो चलिए आज हम शहद के बारे में और गहराई से जानते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप बस 5 सेकंड में जान पाओगे कि आपका शहद असली है या नकली। महर्षि वाग्भट ने नित्य सेवनीय यानी रोज खाने के द्रव्य में क्षौद्र यानी शहद का अंतर्भाव किया है। इसी से शहद का महत्व समझा जा सकता है। जन्म के तुरंत बाद और अगले 1-2 दिन तक शिशु को मधुसर्पी यानी शहद और घी, सुवर्ण के साथ या फिर अनंता वचा जैसे द्रव्यों को मिलाकर चाटने के लिए देने का प्रावधान आयुर्वेद में किया हुआ है। आज हमें शहद ब्रांड के नाम से मिलता है, लेकिन आपको ये जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद के कुछ मुख्य ग्रंथों में कुल मिलाकर लगभग 8 प्रकार के मधु देखे जाते हैं, और इनका ये वर्गीकरण मुख्यतः इन्हें बनाने वाली मक्खियों की विविधता से और छत्तों के आकार से किया जाता है। माक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पौतिक, छात्र, आर्ध्य, औद्धालक और दलद्भव ये इनके नाम हैं। इन सभी के गुणधर्म एक दूसरे से कुछ अलग होते हैं। अब जानते हैं मधु के गुणधर्मों के बारे में जो आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णित किए हुए हैं। मधु मधुर रसात्मक यानी मीठा है, ये कसेले स्वाद वाला यानी कषाय अनुरस वाला है, रुक्ष यानी ड्राई नेचर वाला, शीत अग्निदीपक यानी भूख को बढ़ाने वाला, वर्ण यानी अनइवन स्किन टोन के लिए ये उपयुक्त है, ये स्वर यानी आवाज को खोलने वाला, आवाज के लिए हितकर है, लघु यानी जल्दी पचने वाला, सुकुमारता कारक यानी शरीर को मृदु करने वाला, लेखन यानी शरीर से पिछिलता और मनो को नष्ट करने वाला, रुद्ध यानी हृदय को बल देने वाला होता है, वाचिकरण यानी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाला भी मधु होता है, भग्न अस्थि संधान कारक यानी टूटी अस्थियों को जल्दी से जोड़ने वाला, दोष संशोधक यानी विकृत दोषों को शरीर से बाहर निकालने वाला है। शहद एक बहुत ही उत्कृष्ट व्रण रोपक है। दोस्तों, किसी भी एंटीबायोटिक की तुलना में यह बिना किसी स्किन इरिटेशन के जख्मों को साफ करने और भरने के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करता है। मधु का एक और गुण नेत्र भी कहा गया है। आंखों के लिए भी मधु बहुत हितकर होता है, खासकर कंजंक्टिवाइटिस यानी नेत्राभिसंध जैसी अवस्था में इसे यूज करने से बहुत ही जल्दी राहत मिलती है। मधु पित्त कफ मेदोवृद्धि को कम करने वाला होता है, यानी फैट को कम करता है। हिक्का यानी हिचकी, श्वास यानी अस्थमा, अतिसार यानी लूज मोशन, वमन, तृष्णा, कृमि यानी वायरसेस, बैक्टीरिया और पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी मधु उपयुक्त है। ये उत्तम विषनाशक यानी ये टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने में बॉडी की हेल्प करता है। मधु त्रिदोष शामक है, यानी विकृत हुए वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को मधु शांत करता है। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि वजन कम करने के लिए बहुत से लोग शहद को गर्म पानी मिला के लेते हैं, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है, क्योंकि यहाँ 2 गलतियां होती हैं। एक तो मधु का जो स्थौलनाशक, मेदनाशक और अतिलेखन गुण कहा गया है, जो फैट और वजन को कम करने के लिए चाहिए, वो पुराण मधु का है, यानी जो मधु पुराना हो चुका है उसका है, लेकिन आजकल ऐसा मधु मिलता कहाँ है। जो नवीन मधु होता है वो तो उल्टा ब्रूहण यानी शरीर को बढ़ाने वाला होता है और सारक भी होता है, लूज मोशन कारक होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि किसी भी प्रकार से शहद पे उष्ण संस्कार करने से ये वृद्धार हो जाता है और ये विकार उत्पन्न करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शहद अनेकों प्रकार के गुणों वाली वनस्पतियों से इकट्ठा किया जाता है, जिसमें शीत और उष्ण दोनों गुण वाली वनस्पतियां। इसमें एक और बात है जो हमें समझनी है। आयुर्वेद ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हमें जो शहद इकट्ठा करना है वो पक्व यानी संपूर्ण बने छत्तों से ही लेना चाहिए, यानी जिन मक्खियों का प्रजनन हो चुका है ऐसा छत्ता। नवीन या अपक्व छत्ते से लिए गए मधु से अम्ल गुण की उत्पत्ति होती है और उससे पित्त के विकार भी हो सकते हैं। और नव मधु को आयुर्वेद में त्रिदोष कारक भी कहा गया, यानी वात, पित्त और कफ को विकृत कर देता है। पारंपरिक भारतीय रसोइयों में शहद का सीधे खाने में उपयोग नहीं होता, बल्कि दवा के रूप में इसे यूज किया जाता है। लेकिन आजकल पिज्जा, बर्गर, कॉर्नफ्लेक्स और गर्म दूध में भी शहद को मिलाकर दिया जाता है, खासकर छोटे बच्चों में विदेशी खाद्य पदार्थों के आकर्षण के स्वरूप में ऐसा होता है। आयुर्वेद में मधु से उत्पन्न आम विकार और अजीर्ण को दुष्चिकित्सा माना है। इसकी चिकित्सा करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए बच्चों को गर्म पदार्थों के साथ मधु बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए।
तो दोस्तों बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, जो हम सभी को पता होना ही चाहिए कि असली शहद कैसे पहचानें। तो सबसे आसान तरीका है, उष्णता के संयोग से शुद्ध मधु बहुत ही जल्दी पतला हो जाता है, इसीलिए दो अंगुलियों के बीच शहद को अच्छे से घोलने से ये पतला हो जाता है। मधु यदि किन्हीं और पदार्थों से बना है, जैसे कि शुगर के पाक से या गुड़ से, तो ये बिल्कुल पतला नहीं होगा, उल्टा गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये टेस्ट आप कहीं भी कर सकते हैं, खासकर तब जब आपको रास्तों पर छत्ते के साथ मधु बेचने वाले मिल जाते हैं। सच कहूं तो रास्ते पर छत्तों के साथ मधु बेचने वाले के पास कभी शुद्ध मधु होता ही नहीं, तो आप ऐसे लोगों से मधु लेने से बचें। दूसरी टेस्ट, शुद्ध मधु जलते वक्त कोई आवाज नहीं करता, इसीलिए कॉटन की छोटी सी वर्ती पर मधु लगाकर उसे जलाने से वो शांत जलता है और कोई आवाज नहीं करता। जो शहद आवाज करता है उसमें वाटर कंटेंट होता है और वो नकली हो सकता है। दोस्तों फूलों से जब मधु को इकट्ठा किया जाता है तो उसमें ज्यादा मात्रा में पानी होता है, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से ये जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए मधुमक्खियां अपने पंखों को बार बार तेज गति से फड़फड़ाकर अतिरिक्त पानी को सुखा देती है और मधु से पानी को निकाल देती है ताकि और दिनों तक चल सके। शक्कर से बने मधु को जलाने से दुर्गंध आती है, शुद्ध मधु को जलाने से ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई दुर्गंध नहीं आती। मधु घृत यानी घी, वसा यानी फैट, तेल, इनको एक एक कर या दो दो मिलाकर लेना विरुद्ध आहार और विषवत परिणाम देने वाला होता है, इसीलिए इसे मिलाते समय ध्यान से मिलाइएगा। इसीलिए इनका सेवन जो है वो एक साथ नहीं करना है। घी और मधु को कभी भी समप्रमाण में नहीं लेना चाहिए। इनको अलग अलग मात्रा में त्रिफला चूर्ण के साथ रात में सोते वक्त लेने से ये अच्छा काम करता है और नेत्र के बल को बढ़ा देता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। आज भी कई सारे लोग गलत तरीके से मधु का सेवन करते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाने के लिए आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं उन सभी सवालों का खुद जवाब देता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।